दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारे चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां हम मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज का जो वीडियो लेकर आए हैं वो व्हाट्सएप वेब के ऊपर है और व्हाट्सएप वेब बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं क्योंकि अब रोज़ चलन में आ गया है। दोस्तों, ऐसे में कुछ इसकी दो तीन मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूँ जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। मान लीजिए मुझे ये यूज़र है और इनको कोई फ़ोटो भेजना है, इन्होंने कहा है, तो अब आप क्या करेंगे, टेक्निकली उसको कहीं से जाएंगे, क्लिक करेंगे, डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद जो है आप यहाँ से अटैच में जाएंगे और फिर उसको अटैच वगैरह करेंगे। यहाँ से आपको करना क्या है दोस्तों, सीधा आप जाइए। मान लीजिए हम जैसे यहाँ हैं ब्लॉग पर और हमें कोई इमेज उठानी है, समथिंग मान लीजिए यही उठानी है, तो हम यहाँ राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करके हमको इसको सिर्फ कॉपी करना है, ना इसको सेव करना है, कुछ नहीं, सिर्फ कॉपी कर देना है। ये मैंने कॉपी कर दिया है। यहाँ आकर ये जो टाइप मैसेज है यहाँ पर मुझे इसको पेस्ट करना है, तो मैं कंट्रोल प्लस वी कर देता हूँ। ये देखिए, ये इमेज यहाँ पर आ गई है। कंट्रोल प्लस वी करने के बाद अब आप आसानी से जो है इसको यहाँ से सेंड कर दीजिए। ये देखिए, यहाँ पर सेंड हो गई है। ना आपको इसको डाउनलोड करना पड़ा, ना इसको कहीं पर सेव करना पड़ा। आपका जो सिस्टम है वो भी ठीक रहेगा और उसको भी ऐसे बार बार इमेजेस को डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा इनको भेजने के लिए, और आप आसानी से जो है दोस्तों इसको यहाँ पर रख सकते हैं। अब एक दूसरा जो ऑप्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, आपने देखा होगा फ़ोन में तो आप डाउनलोड्स को रोक लेते हैं, यहाँ पर जब कोई फ़ोटो आती है तो वो डायरेक्टली, जैसे कोई ऑडियो हुआ, फ़ोटो हुई, तो वो यहाँ पर क्या होती है, डायरेक्टली डाउनलोड हो जाती है। और डाउनलोड जब हो जाती हैं तो हमें, क्योंकि मेमोरी तो भर रही है, ऐसा नहीं होता है कि हम यहाँ पर बड़े सिस्टम पर चला रहे हैं या सर्वर पर ये डेटा नहीं जा रहा है, ऐसा नहीं होता है, हमको इसको रोकना है। तो आप यहाँ चलिए, यहाँ आने के बाद आप सेटिंग्स में आइए और सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ मीडिया ऑटो डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर दोस्तों ये चार ऑप्शन देखिए, यहाँ पर ये दो ऑप्शन लगे हुए आते हैं, फ़ोटोज़ का और ऑडियोज़ का। अगर आपको यकीन नहीं है तो हम इसको रीसेट जब कर देते हैं तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए, हम इसको रीसेट कर देते हैं तो ये दोनों ऑप्शन दिख रहे हैं। तो ऑडियो और फ़ोटो क्या होता है, जैसे ही यहाँ आता है वो डाउनलोड हो जाता है, तो आप इन दोनों को हटा दीजिए। आप यहाँ से हटा देंगे दोस्तों, अब हटाने के बाद क्या होगा कि आप इसको इसी तरह से रखिए, कोई भी जो नई फ़ोटो आएगी या नया ऑडियो आएगा वो डाउनलोड नहीं होगा, और जब आप चाहेंगे, जितने आप चाहेंगे उनको आप डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपका जो सर्वर पर जो मेमोरी है वो ना भरे और वो बनी रहे। दोस्तों, इसके साथ ही और भी एक इसमें बहुत अच्छी चीज़ जो देखने के लिए मिली है वो है, यहाँ पर आप जब प्राइवेसी पर आएंगे तो आप देख सकते हैं नीचे एक स्क्रीन लॉक का ऑप्शन है। स्क्रीन लॉक करेगी क्या दोस्तों, आप यहाँ क्लिक कीजिए, ये आपसे दो पासवर्ड बनवाएगी, मतलब कि पासवर्ड एक ही है, उसको री एंटर करना होगा और पर्टिकुलर एक टाइम मांगेगी। चलिए मैं यहाँ पर एक बना देता हूँ, ये मैंने पासवर्ड बना दिया है और इस पासवर्ड को बना लेने के बाद मैं ओके करूँगा। अब ये मुझसे टाइम मांगेगा और टाइम इसलिए मांगेगा दोस्तों, ये देखिए, एक मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद ये स्क्रीन जो है लॉक हो जाएगी। जैसे हम 1 मिनट करते हैं, यहाँ कहीं जाते हैं, मिनिमाइज़ करते हैं, कुछ भी करते हैं, ऐसे में दोस्तों वो जो है स्क्रीन वहाँ से लॉक हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम होता क्या है कि आप सिस्टम से उठकर कहीं जाते हैं या आप सिस्टम से उठकर कोई काम कर रहे होते हैं और आप चाहते हैं कि कोई और इसको ना देखे, तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन में मैसेज आता है वो भी आना बंद हो जाता है स्क्रीन लॉक के टाइम पर। और जब आप सिस्टम यहाँ पर आते हैं तो आप उसको ओपन करेंगे पासवर्ड डालने के बाद, तभी जो है ये विंडो ओपन होगी। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा एक फंक्शन, एक ऑप्शन लॉन्च किया है व्हाट्सएप वेब ने और स्क्रीन लॉक के नाम से ये जाना जाता है। आप इसका उपयोग कीजिए और उपयोग करके आप अपने समय अनुसार यहाँ पर सेट कर सकते हैं और ये उसके अकॉर्डिंग ही फंक्शन करना शुरू कर देगा। दोस्तों, मुझे तो ये बहुत बेहतर लगा ऑप्शन, और अगर आप यहाँ से हटना चाहते हैं, टर्न ऑफ करना चाहते हैं, तो जो पासवर्ड आपने बनाया है उसको यहाँ पर डाल दीजिए, और जैसे ही आप उस पासवर्ड को यहाँ पर डालेंगे, ओके करेंगे, तो ये यहाँ से टर्न ऑफ भी हो जाएगा। विच मीन्स कि इसका ये मतलब नहीं है कि हम अगर एक बार लगा देंगे तो ये जो है हमेशा के लिए लग जाएगा, नहीं, आप इसका स्क्रीन लॉक भी यहाँ से
बंद कर सकते हैं, बशर्ते आपको वही सेम एड्रेस जो है यहाँ पर डालना है। तो दोस्तों ये कुछ व्हाट्सएप के ऐसे टिप्स और ट्रिक्स थे, व्हाट्सएप वेब के माफ़ कीजिएगा, जो कि आप लोगों को यूज़ करने चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग सिस्टम पर, लैपटॉप पर या बाहर जब किसी सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उस पर वेब चलाते हैं, लॉगिन करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें आपके लिए जो है फ़ायदेमंद हो सकती हैं और आपको मेमोरी को ऑप्टिमाइज़ कर सकती हैं और अच्छे से आप उसका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।